कि एक चीज हम बताना चाहते हैं कि इस आप अगर घर का मुखिया हैं तो अपने जितनी भी कमाई करते हैं तो अपने परिवार के लिए करते हैं, तो सरकार को हम वोट देते हैं तो सरकार भी हमारे गार्जियन के रूप में होती है। चूंकि आज तक जितने भी धरातल पर जितना योजनाएं चल रही है सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो हम लोग से पहला मुद्दा होगा जितने वोटर होंगे वोटर पेंशन योजना चालू करेंगे हम लोग, कि जो लोग वोट देंगे उसको वोटर पेंशन योजना निश्चित तौर से पहली हमारी पार्टी सरकार में आती है तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि वोटर पेंशन योजना हम लोग चालू करेंगे। अपना परिचय दे देंगे। मैं चिंकी कुमारी एकता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बोल रही हूँ। जिस तरह से आपने नई पार्टी का गठन किया है, हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी का गठन हो चुका है, किस उद्देश्य से आपने पार्टी बनाई, क्योंकि बिहार में तो पहले से बहुत सारी पार्टियां हैं, तो अपनी पार्टी का निर्माण करना क्या उद्देश्य रहा आपका? सबसे पहले मैं देशवासियों को दीपावली का शुभकामना देना चाहती हूँ और मेरा यही नई पार्टी बनाने का उद्देश्य है कि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण होता है और मैं उस महिलाओं को लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक खुद महिला हूँ, इसलिए मैंने देखा है जो महिला के साथ कितना अत्याचार होता है, इसीलिए मैं उस सबको, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी पार्टी बनता है तो कोई भी दलित गरीब किसी भी पार्टी को टिकट देना नहीं चाहता है, और हम चाहते हैं जो गरीब दलित इत्यादि जो भी आता है इसमें सबको पार्टी का टिकट दे और उस सबको आगे बढ़ाते हुए सबको देश को आगे बढ़ाएं, यही मेरा उद्देश्य है। विधानसभा चुनाव में किस उद्देश्य से क्या आपके पार्टी के उद्देश्य रहेंगे? मेरा पार्टी का उद्देश्य यही है कि हम साफ सुथरे छवि वालों को टिकट दें और साथ में जो कि हम आज तक देख आए हैं जो महिलाओं को बहुत कम यानी कि ना कम मात्रा में मिलता है टिकट, तो महिलाओं को भी हम इस बार टिकट देने का कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं समझ देंगे ही, यही सब मेरा उद्देश्य है, और लेकर सबको साथ चलेंगे, महिला हो या पुरुष हो सबको साथ लेकर चलेंगे। चलिए आइए, साथ इस समय एकता दल यूनाइटेड के मेंबर भी मौजूद है, हम उससे भी जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो नव निर्मित पार्टी है वो क्या काम करेगी समाज में। क्या नाम हुआ अपना? सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी और चिंतू नाम है मेरा। एक्चुअली क्या है कि सर देखिए कि सबसे पहले कि आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों प्रखंडवासियों और नगरवासियों को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएँ छठ की शुभकामनाएँ। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने देखा अगर मैं ये चाहता तो किसी भी पार्टी से टिकट लेकर के मैडम को दे देता, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि ना मैं लोग एक नए बिहार का निर्माण करूं, उन लोगों को चुनूं, उन लोगों को टिकट दूं जो उस योग्य हैं जो समाज के बीच रहते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने एकता दल यूनाइटेड का एक निर्माण किया और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग और तमाम नागरिकों के सहयोग से ये मेरी पार्टी आगे जाएगी और हम सारे के सारे लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। अच्छा, चुनाव के समय बहुत सारी पार्टियां नई बनती है और उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है। हालांकि पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे करती है लेकिन ज़्यादातर पार्टियों का जो बाद में जो उनकी मंशा हो जाती है वो पैसा कमाने की होती है, तो क्या आप पैसा कमाने के लिए पार्टी बनाए हैं या लोगों की सेवा करने के लिए? पैसा कमाने का अगर यही होता तो बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें पैसा कमाया जा सकता है। मैंने इस फील्ड को इसलिए चुना कि मैं एज एक स्टूडेंट रहा हूँ और स्टूडेंट हूँ भी। मैंने ये देखा कि हमें हमारी बातों को आगे रखने वाला कोई नहीं, तो हमारे बीच से कोई लड़के ऐसे पढ़े लिखे जो शिक्षित होंगे जिसे मैं टिकट दूंगा वो आगे जाएंगे पार्लियामेंट में बैठेंगे तो वो हमारी बातों को और हमारी ज़मीनी स्तर की जो चीज़ें हैं जो भ्रष्टाचारी फैली हुई हैं उनके बारे में वहाँ बात करेंगे अपनी बातों को रखेंगे। इसी कारण अच्छा एक चीज़ देखा जाता है कि जहाँ पर आप बिहार में पार्टी आपने नवनिर्मित की है, बिहार में बड़े बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन हैं, फिर वो चाहे नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, लालू प्रसाद यादव की बात कर ली जाए, तेजस्वी यादव या सम्राट चौधरी, बहुत बड़े बड़े ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके आगे अभी आपकी जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कम है, तो उन नेताओं को जब आप टक्कर देंगे तो कैसा महसूस करेंगे, क्या तैयारी है आपकी?
सबसे पहले सर होता क्या है ना कि तैयारी तो मेरी पूर्ण है और मुझे पूर्ण भगवान पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर पूरा विश्वास है कि जहाँ टक्कर ना हो वहाँ, जहाँ अगर हम लोग खेलेंगे वही ना हारेंगे, और हार जीत तो लगी रहती है। तो टक्कर देना वो तो समय की बात है कि कौन किसको टक्कर देता है, और हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कोसी दायरे में आता है। अभी आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे फ्लोड आए थे, बाढ़ आई थी, इसमें कितने घर कट गए, कितने घर फंस गए। मैंने वहाँ ज़मीनी स्तर पर जाकर के मेहनत किया और लोगों तक जो भी हमसे हो सका मैंने वहाँ उसकी कोऑपरेशन भी किया, कोऑपरेट करता रहूँगा। तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, तो अगर हम अपने आप को उसे छोटा क्यों समझें, हम भी तो बड़ी पार्टी हैं, और ये मेरी पार्टी आगे चल के और बड़ी होगी। तो क्या आने वाले समय में किसी पार्टी से विलय भी होगा? क्या स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के साथ विलय कर लेंगे? क्योंकि आमतौर पर बहुत सारी पार्टियाँ विलय भी करती हैं। हम लोग इसके बारे में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिंकी जी, वो भविष्य की बातें हैं, वो देखा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। मैं साहिल कुमार सिंह, प्रेसिडेंट एकता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिंकी जी हैं, मैं उनका हस्बैंड हूँ, और हम लोग ने एक नवनिर्मित एक पार्टी का गठन किया है जो एकता दल यूनाइटेड, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से स्वीकृति मिल चुकी है हम लोगों की, और आने वाला विधानसभा में चुनावों में हम लोग विशेष से विशेष सीट पर कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नई पार्टी के उम्मीदवार आप उतारेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्वीकृति भी मिल चुकी है। मधेपुर जैसी एक छोटी सी जगह पर अपनी पार्टी का निर्माण कर लेना, और वो भी ज़्यादा शोर शराबे के बिना, यानी आमतौर पर जो पार्टी बनाती है बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन बिना शोर शराबे के आपने पार्टी बना ली है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले मैं बता दूं कि शोर शराबे की बात, और जहां तक बात की है बड़े लेवल की पॉलिटिकल पार्टियों की, मैं एक यहां मधेपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव में मेरा घर है, और 2017 में हम लोग यहां पे आए थे, और हम आज जो जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके सिवा बहुत, हमारा छोटा एक किसान का बेटा हूँ हम लोग, एक किसान एकदम नीतिम फैमिली से हम लोग आते हैं। और जहाँ तक बात है पॉलिटिकल पार्टी की, और बड़ी बड़ी घोषणा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी उसके पीछे बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही है। आज इंडिया के अंदर 28 स्टेट है, 2800 स्टेट में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे हमारे सदस्य नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे और बहुत पूर्ण तैयारी है हमारी, और हर स्टेट में हम सब इस बार बिहार के सारे सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे। क्या मोटिव क्या रहेंगे, किस तरह के उम्मीदवार आपके रहेंगे, और कैसे क्या सोच रखा है कुछ? सर, मोटिव हमारे पास तो मैनोफेस्टो तैयार है, चूँकि अभी हम लोग फ्लैश नहीं करेंगे, लेकिन एक मोटिव हम आपको अभी घोषित कर रहे हैं कि एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि इस, आप अगर घर का मुखिया हैं तो अपने जितनी भी कमाई करते हैं तो अपने परिवार के लिए करते हैं, तो सरकार को हम वोट देते हैं तो सरकार भी हमारे गार्जियन के रूप में होती है। चूँकि आज तक जितने भी धरातल पर जितना योजनाएँ चल रही है सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो हम लोग से पहला मुद्दा होगा जितने वोटर होंगे वोटर पेंशन योजना चालू करेंगे हम लोग, कि जो लोग वोट देंगे उसको वोटर पेंशन योजना निश्चित तौर से, पहली हमारी पार्टी सरकार में आती है तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि वोटर पेंशन योजना हम लोग चालू करेंगे। धन्यवाद। तो इस समिति एकता दल यूनाइटेड के सदस्यों से काफ़ी सकारात्मक दिखे, उनका जो भी मैनिफेस्टो था अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जितनी जानकारी मिली काफ़ी मिली, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एकता दल यूनाइटेड अपना प्रचार प्रसार करेगी और अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। हम लगातार आपको जानकारी दिखाते रहेंगे, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।